बाय बाय लियो, बी ए गुड बॉय, हां स्टे विद गगन फ्रेंड, डोंट इरिटेट हिम, हां ठीक है, इट्स ओके, वी विल कम बैक, डोंट इरिटेट हिम, बाय बाय को चलो गगन टेक केयर, लॉक कैन गो आउटसाइड व्हेनेवर यू वांट, की इज देयर ओनली राइट, हां बाय बाय, लॉक मत, चलो बाय बाय, बाय गगन, लॉक इट, लॉक इट, जो को रख के जाने का मन तो करता नहीं है, बट देयर इज नो अदर गो इस टाइम एटलीस्ट, हर बारी तो वेयर एवर वी गो लियो को लेके जाते हैं, कार में जाते हैं, आई एम वेरी सैड लियो को रख के जाना पड़ रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली हम लोग थोड़ा लंबा जा रहे हैं तो लियो को रख के घर पे, पहले तो आई वेलकम एवरीवन बैक, आई नो इट्स अबाउट अ मंथ लास्ट ब्लॉग डाले हुए, एक महीना क्यों हो गया, बिकॉज आफ्टर न्यू ईयर ऑफिस का काम इतना ही भयंकर पड़ा हुआ था, एंड देन इट जस्ट टुक वन मंथ, वन प्लस मंथ टू गेट ओवर एवरीथिंग, वी आर इन अ कैब गोइंग टू एयरपोर्ट, दिस इज ममता एज यूजुअल स्लीपिंग, जा रहे अभी कोलकाता, कोलकाता जाने का रीज़न क्या, इफ़ यू हैव सीन द स्कंदगिरी ट्रैकिंग वाला ब्लॉग, वहाँ पे माय फ्रेंड्स प्रतीक उमंग दे ऑल वर देयर राइट, सो प्रतीक का शादी है, फिर वी विल गो टू मामा के घर, रिया पिया के घर, एंड देन टुमारो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग विल लीव कोलकाता एंड ट्रैवल टूवर्ड्स अ प्लेस कॉल्ड टाकी, पहुँच गया एयरपोर्ट एज एक्सपेक्टेड, टू आवर्स टाइम लग गया, ऑलमोस्ट टू आवर्स टाइम लग गया, फ्लाइट इज एट 9:10, हैव सम कॉफी और समथिंग, द लास्ट टाइम वी ट्रैवल्ड बाई फ्लाइट वॉज जस्ट वन मंथ बिफोर कोविड इन 2022, हम फुकेत जो गए थे, दैट वॉज द लास्ट टाइम वी ट्रैवल बाई फ्लाइट, तो उसके बाद अभी कोविड टाइम्स में, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहले चेक इन करते उसके बाद सेटल डाउन, तो ये यहाँ पे हो गया थर्मल स्कैनिंग, अभी आईडी प्रूफ वैलिडेशन सारा चीज़ ख़त्म करके एंटर करते हैं, एंड देन चेक इन करके विल सिट समवेयर एंड टॉक लिटिल बिट, सब चेक इन तो डेफिनेटली करके रखना ही था सबको, तो इसीलिए 2 मिनट का काम था, बैगेज ड्रॉप कर दिया है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक करके ऊपर जाएंगे, बोर्डिंग के लिए आई थिंक वी हैव अबाउट 1 आवर, सारा सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ हो गया, तो जस्ट एज एन एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, इट वॉज क्वाइट गुड एक्चुअली, आधा से ज़्यादा चीज़ें, इट्स वेरी स्मूथ, आधा से ज़्यादा चीज़ इज़ विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, कुछ ज़्यादा कुछ पहले जो नौटंकी होता था, इधर ये दिखाओ उधर वो दिखाओ, सारा कुछ झमेला नहीं है, एक ही जगह में दे टुक द डॉक्यूमेंट्स एंड दिस दे वर लाइक फाइन विद ऑल द अदर एंट्रीज, और मन तो था बियर पीने का, बट देन आई थॉट ओके चलो कल से तो वैसे भी बहुत सारे पार्टी होने ही वाले, आई टुक ए रेड बुल एंड देन ममता टुक KFC से सम थिंग्स एंड ऑल्सो ए कॉफ़ी, तो ये सारा थोड़ा खाना वाना खा के विल रोम अराउंड, लाउंज जाने का भी प्लान था, वी थॉट कि एक घंटा पहले आ गए तो लाउंज जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते, बट मेरा लाउंज एक्सेस इज़ वर्किंग, ममता का लाउंज एक्सेस हैज इशूज, इसीलिए वी ड्रॉप द प्लान, अभी यहीं पर आके काउंटर में वी जस्ट हैविंग सम फूड, लेकिन टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लोग कम है अभी, पहले के हिसाब से देखो तो जितने फ्रिक्वेंट फ्लायर्स होते थे उस हिसाब से अगर अभी देखोगे इट्स वेरी लेस, जितना लोग अभी दिख रहा है यहाँ पे, सारे स्टोर्स भी देखोगे तो इट्स प्रीटी एम्प्टी, पहले के टाइम पे फ्री कोविड के टाइम पे लाइक फुल, एवरीथिंग वाज फुल,
पता नहीं डिले होगा कि नहीं, होपफुली डिले ना हो, जल्दी से घर पहुँचे, फिर सोना है, फिर सुबह सुबह 5:30 बजे तक वापस से निकलना भी है। बोर्डिंग कंप्लीटेड, विल सी यू एट कोलकाता। पहले उतरे हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठ रहे हैं और अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने के पहले अपने सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें, ताकि आपका कोई जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रह जाए। आराम से सो गए हम लोग, ऑलमोस्ट 1-1.5 hours वी स्लेप्ट, राइट? हां, ऑलमोस्ट द एंटायर फ्लाइट वी स्लेप्ट। फिर निकल जाएंगे, उबर लेंगे, घर जाएंगे। कल नॉट ब्लॉग एनी मोर, आज जाके खाना वाना खा के विल जस्ट स्लीप ऑफ। फिर कल सुबह अराउंड 5:30 विल लीव मामा का घर टूवर्ड्स द वेडिंग डेस्टिनेशन। कोलकाता का कल तो हम लोग एज यू हैव सीन कल रात को वी रीच कोलकाता एंड देन टुडे मॉर्निंग द प्लान एक्चुअल प्लान वाज गो टू हावड़ा स्टेशन। वी थॉट ऑफ गोइंग देयर एंड वहाँ से फिर प्रतीक ने बसेस बुक करके रखा हुआ था फॉर हिज एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी बाहर से आ रहे हैं कि सब जाके हावड़ा में एक साथ मीट करेंगे एंड देन वी विल गो। मामा वॉज लाइक कि फालतू का क्यों हावड़ा जाना वापस से, इट्स लाइक 21 kilometers फ्रॉम द प्लेस। दिस इज अ ब्रांड न्यू XUV 300। तो मामा ने ये कार अभी रिसेंटली, इट्स अबाउट 1.5 months ओल्ड, नॉट लॉन्ग दिन दैट। तो मामा बोल रहे थे कि यही लेके जाओ, वैसे भी मामा अभी जस्ट ड्राइविंग सीख ही रहे हैं तो वो चलाता नहीं है कार घर पे उठता। इट्स सुपर, द कार इज़ वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। इट्स अ ब्रांड न्यू कार इसीलिए इट्स एक्सट्रीमली स्मूथ। चेक इन करके वी हैड ब्रेकफास्ट द रिजॉर्ट लोकेशन, सीरियसली इट्स सुपर। तो मैं थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ कैसा सीन है। तो ये जो नदी देख रहे हो, दिस रिवर इज द एंड ऑफ इंडिया, दैट साइड, दिस पार्ट इज बांग्लादेश। एंड यहाँ पे होगा सारा संगीत, सब फंक्शन वगैरह, ये सब वेडिंग का प्रिपरेशन। नीचे इट्स लाइक एन ओपन एयर किचन टाइप का जहाँ पे सब खाने वाने का सीन। वी हैड ब्रेकफास्ट देयर इटसेल्फ कि इस साइड पे लड़की वालों का एंड द सेम काइंड ऑफ सेटअप इट्स राइट वेयर वी आर, यहाँ पे लड़के वालों का। रूम्स आर प्रेटी गुड एज वेल। ये हो गया पूरा रूम। This is the washroom. कल इसी पूल में वी हैव द पूल पार्टी वाला सीन, इट्स लाइक ए कॉकटेल पार्टी। शादी वादी का जब सारा रिचुअल्स वगैरह होने लग गया, आई ट्राई टू कैप्चर समथिंग। अभी थोड़ा पूजा वूजा का थोड़ा सीन है, ये समथिंग कॉल्ड मायरा। वो सब खत्म होने के बाद लंच एंड देन सब आराम से थोड़ा रेस्ट करेंगे, चिल मारेंगे एंड देन इवनिंग को संगीत। तो अभी थोड़ा फ्रेशअप हो जाऊँगा, ममता तो चली गई है नहाने के लिए। वो है दूल्हा दुल्हन, मैन एंड वुमेन ऑफ द आवर, इनका अभी फोटोशूट एंड सम वीडियोग्राफ। इधर देखेगा तो एक अच्छा फोटो ले सकता हो। मेरे को ये वाला जगह मतलब बहुत पीसफुल लगा। क्या जगह में रिजॉर्ट बनाया है ना, इट्स फार, रास्ता सही नहीं है बट देखो लोकेशन कितना सही तगड़ा। ये हो रहा रात के संगीत का प्रिपरेशन।
का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो गाइस अमेजिंग मेमोरीज, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भयंकर एंजॉयमेंट, बहुत बहुत सही। थैंक्स टू प्रतीक, सब दोस्त लोग मिल पाए आफ्टर सो मेनी ईयर्स। वी मेट आफ्टर लाइक 14-15 ईयर्स। बहुत अच्छा था, खाना मस्ती, 4-4 बजे तक हम लोगों का पार्टी। सो फाइनली टाइम टू लीव कोलकाता विद लॉट ऑफ मेमोरीज, विद लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर। पहले 8:30 का फ्लाइट 10 PM का किया, अभी भी 10 PM के ऊपर हो रहा है, ना बोर्डिंग ना कुछ, फ्लाइट तो खड़ी है यहाँ पे। निकलेंगे हम अभी इससे स्पाइस जेट, कतई बनती है।